नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, हर ग्रह की वजह से आदमी को जीवन में फायदे होते हैं और हर ग्रह की वजह से किसी न किसी तरीके का नुकसान भी होता है। आज हम आपको बताएंगे कि अगर शनि आपकी कुंडली में गड़बड़ है, अगर शनि आपकी कुंडली में खराब है, तो किस तरह की बीमारी आपको दे सकता है, यानी शनि का बीमारी कनेक्शन क्या है। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। शनिवार के दिन वही काम शुरू करना चाहिए जिसको लंबे समय तक करना चाहते हो। अगर आप शनिवार के दिन नौकरी ज्वाइन करते हैं, नौकरी लंबी चलेगी। शनिवार के दिन व्यापार शुरू करते हैं, व्यापार लंबा चलेगा। इसलिए जिस काम को आप चाहते हो कि वो लंबे समय तक चले, वो काम शनिवार को करना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि शनि का रोगों से और बीमारियों से क्या संबंध है। देखिए, हर ग्रह की अच्छाइयां भी होती हैं और बुराइयां भी होती हैं, और हर ग्रह शरीर के अलग अलग भागों को प्रभावित भी करता है। अगर वो ग्रह अच्छा है तो वो हिस्सा मजबूत हो जाता है, नहीं तो शरीर के उस हिस्से में समस्या आ जाती है। शनि शरीर की मजबूती से संबंध रखता है। ये शरीर के स्नायु तंत्र को, नर्वस सिस्टम को सीधे प्रभावित करता है। किसी भी बीमारी को लंबे समय तक चलाने में इसकी बड़ी भूमिका होती है। अगर शनि की कृपा हो जाए तो व्यक्ति आम तौर पर स्वस्थ रहता है और लंबा जीवन जीता है। शनि की पहली बीमारी के बारे में जानते हैं, जो है हड्डियों की समस्या। देखिए, ये बीमारी शनि के अलावा सूर्य से संबंध भी रखती है, लेकिन जब शनि ये समस्या देता है हड्डियों वाली, तो चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी शनि ही देता है। शनि के कारण हड्डियों के चटकने की आवाज आती है और कभी कभी शरीर में बहुत दर्द होता है। क्या करना चाहिए? रोज सुबह और शाम शनिदेव के तांत्रिक मंत्र का जप करें। मंत्र होगा ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः, सुबह 108 बार, शाम को 108 बार। भोजन में तिल के दानों का प्रयोग करें। जल में नीम की पत्तियां डालकर स्नान करें। शनिवार को शनिदेव को तेल अर्पित करके तेल का दान कर दें और थोड़ा सा तेल बचा करके उसी तेल का प्रयोग दर्द और समस्या वाली जगहों पर करें तो आपको लाभ होगा। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। अब जानते हैं शनि की दूसरी बीमारी के बारे में, जो है नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम, न्यूरो प्रॉब्लम। शनि शरीर के स्नायु तंत्र से संबंध रखता है। CNS का मालिक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मालिक है। शनि के कारण मस्तिष्क की और चक्कर आने की समस्या हो जाती है। शनि ही पक्षाघात यानी पैरालिसिस का जिम्मेदार है और पार्किंसंस के लिए भी जिम्मेदार है। इसके कारण न्यूरो सिस्टम, नर्वस सिस्टम इतना कमजोर हो जाता है कि हाथ पैर कभी कभी कांपने लगते हैं। क्या करना चाहिए? रोज सवेरे सूर्य की ओर पीठ करके बैठिए। सुबह और शाम शनि मंत्र का जप करिए, ओम शं शनैश्चराय नमः, और दूसरा मंत्र आप चाहें तो जप सकते हैं, ओम शं क्रूराय नमः, ओम शं क्रूराय नमः, ये मंत्र भी जप सकते हैं। शनिवार को सरसों के तेल में चेहरा देख करके उस तेल का दान करिए। सलाह लेकर के एक माणिक्य या एक नीलम पहनिए, इससे भी आपको लाभ होगा। अब जानते हैं शनि की तीसरी बीमारी के बारे में, कि दुर्घटना की वजह से कोई अपंग हो गया हो, कोई दिव्यांग हो गया हो, उसका मामला क्या होता है। देखिए, शनि का संबंध अगर मंगल या सूर्य से बनता है तो प्रबल दुर्घटना होती है। इस दुर्घटना में व्यक्ति कई बार किसी अन्य बीमारी का शिकार हो जाता है,
कई बार चल फिर नहीं पाता या कोई घाव हो जाता है, घाव सड़ जाता है और कभी कभी शरीर का कोई अंग चला जाता है। क्या करना चाहिए? ऐसा योग होने पर नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, यानी प्रकाश का दान करें, और दुर्घटना जब हो जाए तो आप स्वयं या आपके परिवार का कोई व्यक्ति आपके लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करे, और जब आप ठीक होने लगे तो रोज सवेरे नित्य प्रातः हनुमान बाहुक का पाठ करें। शनिवार को पशुओं को रोटी या चारा खिलाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। अब ये जानते हैं कि अगर आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो शनिदेव की पूजा कैसे करें। एक लोहे का छल्ला धारण करें, मिडिल फिंगर में, मध्यमा उंगली में। रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। शनिवार को काले चने या काली दाल जरूर खाएं। शनिवार की शाम को पीपल के नीचे दीपक जलाएं सरसों के तेल का। पशुओं को रोटी या चारा खिलाते रहें और अपने से कमजोर लोगों के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखें। तो आज हमने बात की शनि के बीमारी कनेक्शन के बारे में। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर घर में निगेटिविटी महसूस होती हो, घर में नकारात्मकता महसूस होती हो तो क्या करेंगे? घर में नमक मिले पानी का पोंछा लगाएं, घर में दोनों समय चंदन की सुगंध वाली धूप बत्ती जलाएं और शाम के समय पूजा उपासना जरूर करें।